जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, वहाँ पे खुशबाश होंगे। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर आप अकबर साहब को भूल गए हैं, उनकी किसी वीडियो पर एक्शन नहीं दे रहे। तो मुझे मेरे एक रिक्वेस्टर ने, एक व्यूअर ने, एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो एक सेंड की, सजेस्ट की मुझे अकबर साहब की। उनका नाम मैं शामिल नहीं कर पाऊँगा इस वक्त, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के एक वीडियो रिएक्शन देने वाला हूँ। तो इनकी एक लेटेस्ट वीडियो, इसका नाम है, इसका नाम कुछ ऐसे है, आज भी हमारे अजम में कोई कमी नहीं है। अकबरुद्दीन अवैस साहब की एक स्पीच है छोटी सी। तो ये एक बड़ी एक मशहूर सी इनकी वीडियो मेरे ख्याल में हो चुकी है वायरल, काफ़ी वीडियो ये, तो इस पर मैं देखने वाला हूँ उसको। लेट्स सी कि असद साहब जो है, अभी हाल के असद साहब जो हैं, इनका क्या स्नैरियो है, इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका क्या टेक है अपने मुल्क के हालात पे, मुसलमानों के ऊपर। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सी अकबर साहब क्या फरमा रहे हैं इस बारे में, इसका मैं स्टार्ट करूंगा अब। हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी थी, तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी। और आज भी अगर हमको मौका मिलता है तो देखो देखने वालों, हम ऐसे बुलंद इमारतों को खड़ा करने का अजम, वो इरादा, वो हिम्मत, वो जज्बा रखते हैं। और ये इमारत जो यहाँ खड़ी है, ये इस बात की गवाही है कि आज भी हमारे बिल्डिंग में कोई खास नहीं है। हुकूमतों ने ऐलान किया ये जी टू पी जी बनाएंगे, कहीं बना के जी टू पी जी, ये कोई शायद मशहूर कहीं नहीं बना, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के जी टू पी जी कैंपस यहाँ बना दिया। अकबर ओवैसी बातें नहीं करता, अमल के साथ काम करता। हजारों बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम, कोई मामूली काम नहीं है। कितने इमारतें ऐसी शहर हैदराबाद में, कितनी इमारतें मोहनपुरे में बनाई हुई यूनिवर्सिटी है। सही, नशेमन नगर में इमारत, शायद ये AIIM के अंदर भी बिल्डिंग बनी है। जमाल कॉलोनी में इमारत, वाह, बाबा नगर में इमारत है, वाह, वैसी स्कूलों का खिले नरसी फूल बाग में इमारत है, वाह जी, वो अच्छा, सलाला पार्कस में इमारत है, वाह, बहुत अच्छा। बाबा नगर में एक और इमारत बन रही है, इंशाल्लाह ताला आइंदा तालीमी साल से ये इमारत में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा इंशाल्लाह ताला। एक साल में दुनियावी तालीम के तो मराकज आ गए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा गैर मामूली दीनी मदरसा भी कायम करूंगा, हिफ सेंटर भी कायम करूंगा, IAS IPS IFS के ट्रेनिंग का सेंटर भी कायम होगा। सही, वाओ, बहुत अच्छा, वाओ, ये अचीवमेंट्स हैं, इन्हें बोलते हैं रियल अचीवमेंट्स। एक्चुअली काफी कुछ कर रही है अवैसी साहब जो हैं, अवैसी आपकी पार्टी हैदराबाद में करती आ रही है, अभी भी कर रही है, वो अच्छी बात है, इंस्पिरेशन है, डेफिनेटली होना चाहिए। बड़ी कमाल की छोटी सी वीडियो थी, लेकिन मैसेज कमाल था कि अगर आप एक काम में लगे रहें तो उसको आप पा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के इनको, इतनी कमाल कमाल ही मारते हैं। आप आसपास देखें उस इमारत के, तो एक लगे खंडरात हैं या अंदर कुछ स्लम्स हैं, लेकिन वो इमारत जो उन्होंने खड़ी किया है कमाल है एक्चुअली। मतलब ये बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ी बात है कि आप एक अकलियत होते हुए आप किस तरह अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं एक इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, जो इनका अपना मुल्क है ऑफकोर्स। बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। और मैंने पहली बार देखा AIIM के ज़ेरे एहतमाम कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बने हुए इनके अंडर तामीरात, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। मैंने ऐसी ही और वीडियोस में देखना चाहूँगा, मुझे लाजमी लिंक शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम जो भी मुझे लिंक शेयर करता है, सजेस्ट करता है, उसको मैं नाम उसका लाजमी मेंशन करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़।